नमस्कार दोस्तों, दैनिक एडुकेशन टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंटरव्यू इन इंडियन ओवरसीज बैंक, एमडी सेज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंटर ऑन प्राइवेटाइजेशन नॉट इवन ए हिंट। मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक का जो एमडी एंड सीईओ है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिए मनी कंट्रोल को और उसमें बताया कोई भी बात नहीं हुआ अभी तक प्राइवेटाइजेशन को लेके, ना ही कोई हिंट दिया है हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और सारे जो बात फैलाए, मतलब जो रूमर्स है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक नीति आयोग ने सबमिट कर दिया, ये सारे मीडिया का काम है। इसमें हम लोगों को अभी तक कोई भी मेल और कोई भी हिंट नहीं आया। इसमें बता रहे हैं, इंक्रीजिंग एडवांस बाय 12% इन द करेंट फिनेंशियल ईयर विथ सेकुलर ग्रोथ अक्रॉस रिटेल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एंड कॉर्पोरेट एंड एग्रीकल्चर लोन्स। इंडियन ओवरसीज बैंक एमडी एंड सीईओ मिस्टर प्रीतम सेनगुप्ता ने ये बात बताया है मनी कंट्रोल को May 20 में एक इंटरव्यू में। इसमें बताया गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता सेज द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रोच्ड द लेंडर विथ प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल ऑल थ्रू ओकेशनल मीडिया रिपोर्ट्स। मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक का पहले ही मैं बता चुकी हूँ, अभी तक गवर्नमेंट से कुछ भी चीज नहीं आया है, कोई भी मेल और कोई भी चिट्ठी नहीं आया है इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेटाइजेशन होने वाले हैं। ये सारे कुछ मीडिया का रूमर्स है। एक तरफ से एक रिपोर्ट में बताया है मिस्टर सेनगुप्ता, और एक इंटरव्यू दिया मनी कंट्रोल को ऑन May 2020 में। सेनगुप्ता सेज बैंक इज एमिंग टू ग्रो इट्स एडवांस बाई 12% इन करेंट फिनेंशियल ईयर विथ सेकुलर ग्रोथ अक्रॉस रिटेल एंड माइक्रो एंटरप्राइज और एग्रीकल्चर और कॉरपोरेट लोन को उन्होंने दिया है। तो कंपनी ग्रो कर रहे हैं, बैंक भी ग्रो कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन का कोई भी मुद्दा अभी तक तो नहीं है। देखा जाए फिनेंशियल ईयर 2023 में grow advance 12% year on year, that is our aim। मतलब जितने भी financial year में हमारे growth अच्छा हो और उसके साथ साथ हमारे मतलब जो स्थिति है और बेहतर हम लोगों को करना पड़ेगा, और 100 पॉइंट से हम लोग 40 बेसिस पॉइंट हम लोगों को मिला है। और हम जिस तरीके से काम कर रहे रिटेल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, सेमी कंपनी को लोन दे रहे, मल्टीनेशनल कंपनी को लोन दे रहे, तो हमारे बेंचमार्क है कंज्यूमर को अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना। और इस तरीके से कंपनी का जो ग्रोथ है वो हर साल 12% से इंक्रीज होना चाहिए। तो दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक का सीईओ ने अपने तो राय रख दिए हैं, आप लोग इसके बारे में क्या बताते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।